हे गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। सारे काम निपट गए थे, वापस आ गए अभी एयरपोर्ट और वापस जाते हैं दुबई। आपको पूरा रास्ता दिखाते हैं कैसे जाती है आज की हमारी जर्नी। गाइस बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे एयरपोर्ट पे। इंटरनेशनल फ्लाइट हो चाहे डोमेस्टिक हो, बहुत ज़्यादा रश है। सो फाइनल गाइज हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट के अंदर। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस बार कोई आरटीपीसीआर नहीं है और किसी को भी 4,000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अंदर आ सकते हो, बस आपके पास वही अपना 48 घंटे या 72 घंटे पुराना आरटीपीसीआर होना चाहिए और आप डायरेक्ट अंदर आ सकते हो। और आज बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। बाकी फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, आपको मिलाते हैं उनसे। इस बार हम लोग दुबई की जगह शारजा उतरेंगे और वहाँ से ट्रैवल करके जाएंगे, क्योंकि मेरा सामान थोड़ा ज़्यादा था और मुझे टिकट्स नहीं मिल पाई थी दुबई की डायरेक्ट ज़्यादा सामान के साथ। दैट्स वाई मैं शारजा जा रहा हूँ पहले, फिर वहाँ से अपने अकोमोडेशन पे जाते हैं। और ये रही हमारी शारजा की, और रात के 10 बजे चलेगी यहाँ से। देखो शारजा UK 267B। इस बार इंटरनेशनल डिपार्चर पे बहुत ज़्यादा भीड़ है यार। अभी मेरा एक दोस्त मिला, वो सिंगापुर जा रहा था, मेरे फ्रेंड है वो भी मिले, उनको सी ऑफ किया। अभी मेरे दोस्त भी आने वाले, वो भी एक दोस्त को बाय कर रहे हैं और दिखाते हैं आपको। बहुत ज़्यादा रश है, पर आधे घंटे से ज़्यादा हो गए। ये मेरा दोस्त भैया खा चुका है 47.6 kg। अभी बोर्डिंग पास मिल चुका है, अभी जाते हैं अंदर। भीड़ देखो, हम लोग इमिग्रेशन पे और बहुत बड़ी लाइन है। इतनी लाइन पहले कभी नहीं देखी। ये मेरी फ्रेंड अंजलि, वेगस बिजी पर्सन। मैं अभी इमिग्रेशन करा के आया हूँ और ये मेरे दोस्त सारे पीछे खड़े हैं। बस अभी अपना सामान रख के जाते हैं अंदर। और हम ये एंटर कर चुके हैं। ये रही हमारी ड्यूटी फ्री दिल्ली की, तो जिसको भी लेना देना है वो ले सकता है सामान वामान, चाहे लिकर लेनी है। अभी हम लोग ड्यूटी फ्री में आए हैं, मेरे फ्रेंड्स को लिकर लेनी है तो वो लेके फिर हम जाते हैं आगे। छोटी छोटी है, 100 ml की है क्या? 50 ml, 50 ml की गाइस। अब हम लाउंज में एंटर करेंगे। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो हम लोग अभी लाउंज पे जा रहे हैं, करते हैं थोड़ा स्टे, करते हैं खाते पीते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। अभी लाउंज एक्सेस किया है, पेस्ट्री खा, बहुत ज़्यादा वैरायटी तो नहीं थी पर ठीक था। प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है लाउंज का। अभी पेट पूजा हो चुकी है, लाउंज से बाहर आए और जाते हैं। अभी फ़्लाइट लेने के लिए जा रहे हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा रेस्ट हो गया था। मिलते हैं, शॉपिंग करनी है, शॉपिंग करो, मैकडॉनल्ड से इसको खाना पीना है वो खाओ। एंजॉय भी हो गया, खा पी लिया, दोस्तों से मिल लिए। अब जाते हैं अपने गेट की तरफ और थोड़ी बारिश भी हो रही है बाहर, बट स्टिल फ्लाइट तो उड़ेगी, लेट्स सी क्या होता है आगे। ये रहे मेरे दोस्त भी पीछे आ रहे हैं और बस अभी थोड़ी देर में फ़्लाइट चलेगी, तो हमारा गेट नंबर 19 है उस पर जाते हैं। एक्सपीरियंस तो ठीक ठाक था, खाया पिया ज़्यादा खूब इंजॉय किया, दोस्तों से मिले, सोचा था एक दो मिलेंगे पर काफ़ी दोस्त मिले। आज शांति है, ऊपर आने का तो लगा काफ़ी शांति है। वोटू और लाइन से नीचे तो डोमेस्टिक वाली के लिए ज़्यादा थी और शारजा दुबई के लिए कम है। हमारी फ़्लाइट आधा घंटा डिले हो गई है, 10 की जगह 10:30 बजे चलेगी, तो बेसिक फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं ये लोग। दुबई की तो 2 घंटा एक्सटेंड हो गई है। घूम फिर लिए, सब कुछ कर लिया, बैठ भी गए, थक भी गए, अभी भी हमारी फ़्लाइट डिले है, पता नहीं कैसे टाइम पास होगा। सब लोग बैठे हुए हैं बट होप फॉर द गुड गाइस। जो मेन रीज़न है फ़्लाइट डिले का वो है हैवी रेनफॉल। दिल्ली NCR में भी काफ़ी अच्छी रेनफॉल हुई और एयरपोर्ट पे भी काफ़ी अच्छी हो रही है, और कह तो रहे हैं ऐसा अथॉरिटीज़ की शायद रेनफॉल की वजह से रुका है, बाकी क्या सच क्या नहीं है वो तो भगवान जाने। चलो चलते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई है, अब हम जा रहे हैं फ्लाइट की तरफ। शांति।
जस्ट अभी पहुँचने वाले हैं अंदर। फाइनल थोड़ी भीड़ कम होगी, जाते हैं अंदर। बैठ रहे हैं अपनी सीट पे और विंडो सीट। लैंड इन शारजा, वेलकम टू शारजा गाइस। अब यहाँ पे हमारा आरटीपीसीआर होगा गाइस, बस आने वाला है हमारा नंबर, आरटीपीसीआर कराएंगे। अभी तो आरटीपीसीआर, अभी हम लोग जा रहे हैं अभी बैगेज कलेक्शन के लिए। डन विद द मीटिंग, अभी हम जा रहे हैं बैगेज कलेक्शन के लिए। फॉर्मेलिटीज हो गई है और अब बेल्ट से हम लोग अपना बैगेज कलेक्ट करेंगे। बैगेज कलेक्शन के लिए आए हैं हम लोग। अभी हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट के बाहर, शारजा एयरपोर्ट के बाहर है। अभी हम टैक्सी का वेट कर रहे हैं और दिखाते हैं फिर आपको रास्ता और जाते हैं अपने अकोमोडेशन। सामान है हम लोग के पास, नाउ वी हैव टू डिसाइड कि विच टैक्सी वी शुड हायर। सो वी गॉट अ टैक्सी ओवर हियर एंड सो वी हैव लोडेड अप द टैक्सी। चलो भाई हो गए लोड। सो पहुंच गए अभी यहाँ पे। अच्छी जर्नी रही, थोड़ी लंबी थी, मज़ा आया। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड, जल्द मिलते हैं।